अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने असिस्टेंट BS 16 इन पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट 2017 इसका पेपर लेकर आया हूँ। पार्ट वन है आज का हमारा। तो स्टूडेंट, हम अपने पेपर को देखेंगे आज के, जो कि पंजाब पुलिस का 2017 का पेपर है। स्टूडेंट, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी नेक्स्ट जो वीडियो है फ़ौरन से आपको मिल जाए। जो मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा फौरन आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट MCQ है, द निसाब ऑफ ज़कात इज, निसाब ऑफ ज़कात कितना है? 52 हाफ तोला सिल्वर और 7 हाफ तोला। ठीक है, तो याद रखिएगा गोल्ड भी और सिल्वर भी, सिल्वर 52 हाफ है और गोल्ड 7 हाफ है। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास है, लास्ट एनुअल समिट ऑफ शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज हील्ड ड्यूरिंग जून 2017 एट द लोकेशन ऑफ। ये जो समिट इजलास हुआ था कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जून 2017 में, कहां पर हुआ था? अस्ताना और कजाकिस्तान में। ठीक है, ये याद रखना अपने, 2017 में जो हुआ था इजलास। इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट है, निपोन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, ये निपोन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है टोक्यो की। ठीक है, टोक्यो किसका दारुल हुकूमत है? जापान का। ओके, तो निपोन, अगर वो जापान पूछे तो आपने जापान पे लगाना, लेकिन उन्होंने टोक्यो पूछा तो आप टोक्यो पे लगाएंगे। नेक्स्ट, नेम द प्राइस प्रिंसली स्टेट अदर देन कश्मीर विच केस अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो प्रिंसली स्टेट बतानी है कश्मीर के अलावा, जो पाकिस्तान के दरमियान में डिस्प्यूट का मतलब होता है, जो मसला चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, मतनाजा है, वो जूनागढ़ भी है। ठीक है, कश्मीर के अलावा है जूनागढ़। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ मिल्क जनरली लोएस्ट फास्ट। ठीक है, ये मिल्क जो जनरली लोएस्ट फैट होता है उसमें स्किम्ड में होता है, यानी कि जो मलाई होती है उसे हम स्किम्ड कहते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास, इन विच हेवन बैतुल मामार। ठीक है, जो हेवन है बैतुल मामूर, वो कहाँ सिचुएटेड, कौन सी जन्नत में? सेवंथ है। ठीक है, ये जन्नत कौन सी है? सेवंथ, सेवंथ पोर्शन इसका। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट हेड ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड। ठीक है, तो इनमें से कौन वर्ल्ड वार सेकंड में नहीं था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थियोडोर रोसीवेल्ट। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जो फर्स्ट सेशन हुआ था हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का पाकिस्तान की, ये कब हील्ड हुआ था? कब हुआ था? 11 अगस्त 1947। ओके, याद रखिएगा ये 11 अगस्त 1947। नेक्स्ट हमारे पास है, गोमल यूनिवर्सिटी इज इन, गोमल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? डेरा इस्माइल खान में, जिसका आजकल मसला भी चल रहा है, डेरा इस्माइल खान। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, द टूल यूज्ड फॉर फाइंडिंग अ सिमिलर वर्ड, टूल जो कि इस्तेमाल होती है सेम वर्ड्स के लिए इन अ डॉक्यूमेंट इस कार्ड, वो क्या कहलाती है? ये इसका नाम थेसरस है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट MCQs है, याद अगेन रिपीट भी हो सकता है। और जो हमने अभी इंडिया और पाकिस्तान, ये कश्मीर वाला जो पढ़ा है, जूनागढ़ है, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन 2020 में। नेक्स्ट हमारे पास है, द्यामर भाषा डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन बलोचिस्तान। ठीक है, द्यामर भाषा डैम जो कि कंस्ट्रक्टेड है किधर? बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में ये द्यामर भाषा डैम, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड है। नेक्स्ट हमारे पास है, अर्थ एक्सिस एट प्रेजेंट इन टाइटल बाय 23.5 डिग्री है। ओके, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, अप्रिसिएशन इज टू रिवार्ड एज क्राइम टू, क्राइम इज टू, ये जो अप्रिसिएशन मसला है, जो रिवार्ड एज क्राइम, जो भी क्राइम का मसला होता है उसे हम क्या कहते हैं? सजा क्या मिलती है? जो भी क्राइम करता है उसे सजा, पनिशमेंट कहते हैं, जो उसको सजा मिलती है उसे क्या कहते हैं? पनिशमेंट कहते हैं। तो इन्होंने कहा रिवार्ड जो मिलता है वो क्या मिलता है? पनिशमेंट का। नेक्स्ट है, द कार डैश फ्रंट इज स्लोइंग डाउन, तो इसका राइट आंसर है इन, द कार इन फ्रंट इज स्लोइंग डाउन। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ केक रिमेन्स व्हेन इट्स 2/8 पार्ट हैज बीन ईटन। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसे मैं हल करके दिखाता हूँ आपको मैथ का। स्टूडेंट ये देखें, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ केक रिमेन्स व्हेन, अब यहाँ पर वो 2/8 की जगह कुछ एनीथिंग कुछ भी दे सकता है, 6/4 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ओके, 3/8 भी दे सकता है। तो हमारा जो, हमने जो देखना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ केक, आपने ये देखना है केक कितने, एक केक है। ठीक है, आ केक, एक केक है, तो आप एक को जरब करवाएंगे किससे, जो आपने ईटन, जो इसने खाया है पार्ट हिस्सा, 2/8 से आपने पहले मल्टीप्लाई करवाना है, 2/8 × 1 = 2/8 आएगा। ठीक है, 1 से करवाएंगे तो यही सेम एज इट इज आ जाएगा।
नेक्स्ट जो हमारे पास रिमेन रह जाएगा, बाकी रह जाएगा, बाकी जब कोई चीज बाकी रह जाती है हम उसे माइनस करते हैं, ओके। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, जो केक था, एक केक था, उसमें से 2/8 को माइनस कर देंगे, ठीक है। जो खाया था उसे हम माइनस करेंगे, तो एलसीएम लोगे तो आप ये 8 8 -2/8 आ जाएगा, ठीक है। 8 को 8 -2/8 आ गया, ठीक है। और ये बराबर किसके आ गया, 6/8 के, ठीक है। 8 में से दोगे तो 6 बचे ना, तो 6/8 बच गया। तो अगर हम 2 3 6 और 2 4 8, ठीक है, तो अगर 2 से जरब करवाएं तो 3/4 इसका राइट आंसर आता है, ठीक है। ये केक वाला क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, तो आपने ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पर 2/8 के बजाय 3/8 होता तो आप 1 -3/8 करते, ठीक है। यहाँ एनीथिंग कुछ भी होता, क्योंकि केक वो एक ही होता है, मैक्सिमम एक ही ऑप्शन होता है केक का, ठीक है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है, इसका आंसर राइट आंसर है 3/4। नेक्स्ट है, द जू हैड सम लायंस एंड सम पैरट्स, द सुपरवाइजर काउंटेड 15 हेड्स। ये वाला भी एमसीक्यूज मैंने हल करके रखा हुआ आप लोगों के लिए। स्टूडेंट ये देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन है, द जू हैड सम लायंस एंड सम पैरट्स। मैंने यहां पर सम लायंस एंड सम पैरट्स को लेट कर लिया है, सम लायंस को मैंने एक्स के इक्वल रख लिया है एंड सम पैरट्स को मैंने वाई के इक्वल रखा है, ओके, लेट किया है, फर्ज किया है, ठीक है। अब हमने क्या किया, द सुपरवाइजर काउंटेड 15 हेड्स एंड 50 लेग्स। हमने हेड्स 15 और 50 लेग्स हैं। मैंने यहां पर सम लाइंस और सम पैरट्स, इसे सम किया इसका, ठीक है, सम लिया एक्स प्लस वाई और इसे मैंने 15 के इक्वल रखा है, ठीक है, 15 हेड। मुझे यहां पर इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब y की हम अगर या x की ले लें या y की ले लें, तो y बराबर हम 15 - x लिख सकते हैं, x यहां पर आके माइनस होगा, तो y बराबर 15 - x आ गया, ओके। अब नेक्स्ट जो है, अगेन x प्लस वाई बराबर मैंने 15 के रखा था, अब मैं x प्लस वाई को किसके इक्वल रखूंगा, 50 के। लेकिन अब यहां पर लेग्स की बात हो रही है, ठीक है, तो लेग्स में कैसे, ये 4x + 2y = 50 मैंने कैसे लिखा, तो आपको पता है लाइन है, शेर की चार टांगे होती हैं, फोर लेग्स होती हैं, तो मैंने लाइन के साथ एक्स के साथ क्या लिख दिया, 4, ठीक है, तो ये 4x आ गया। इसी तरह सम सम पैरेट्स, पैरेट की कितनी लेग्स होती हैं, 2 लेग्स होती हैं, तो मैंने यहां पर इसी वजह से वाई के साथ 2 लगा दिया, तो ये 2y आ गया, ओके, और कुछ भी नहीं किया बस। अब हम लोग बराबर टोटल लेग्स के रख लिया, 50 लेग्स थी तो टोटल के इक्वल रख लिया। अब नेक्स्ट हमने 4x सेम एज इट इज आ गया, क्योंकि हमने एक की वैल्यू निकाली हुई है वाई की, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या, 15 - x, वाई की जगह हमने पुटिंग की है वैल्यूज की एंड मल्टीप्लाई किया सिंपल, एंड यहां पर हमारे पास 30 इधर आके माइनस हो गया, तो ये 20 हो जाएगा, और 4x में से 2x गया तो 2x आ गया एंड x बराबर 10, तो इसका राइट आंसर है वो x बराबर 10 है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आएगा, विच पावर पॉइंट फीचर अलाउ करता है द यूजर टू क्रिएट करने के लिए एक सिंपल प्रेजेंटेशन क्यू के लिए जल्दी सी, तो वो कहलाएगा ऑटो कॉन्टैक्ट विजर्ड, ठीक है, ये याद रखना है अपने पावर पॉइंट में। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर ये मैक्सिमम आता रहता है क्वेश्चन, चार्ल्स बेबेज, ठीक है, ये बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है, विच बॉडी ऑफ पीपल इज समटाइम्स रेफर करती है टू एज द फोर्थ स्टेट। ये भी 2019 में रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन, ये रिपीटिंग में है क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है द प्रेस है, ओके। नेम ऑफ द प्रॉफिट हु इज नोन बाय द टाइटल ऑफ इसराइल, तो इसका राइट आंसर है हजरत याकूब अलैहि सलाम। नेक्स्ट हमारे पास है, द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज एट, हेडक्वार्टर यूरोपियन यूनियन का ब्रुसेल्स में, ओके। नेक्स्ट है, हेडक्वार्टर ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक इज, हेडक्वार्टर जो इकोनॉमिक और सोशल कमीशन एशिया एंड पैसिफिक वो क्या है, बैंकॉक में है, ठीक है, याद रखने। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हेन विच यूएन एजेंसी, कौन सी यूएन एजेंसी डील्स करती है विद मैटर्स रिलेशन टू चिल्ड्रन, तो इसका राइट आंसर है यूनिसेफ, ठीक है, ये यूनिसेफ है चिल्ड्रन की। नेक्स्ट है, द एलिमेंट विच इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, कि अर्थ में हमें सबसे लाजमी है जो क्या है, हमारे लिए ऑक्सीजन है, तो इसका राइट आंसर सिंपल ऑक्सीजन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, रेन ऑफ कच्छ इज सिचुएटेड, रेन ऑफ कच्छ कहां पर सिचुएटेड है, साउथ ऑफ थरपारकर में, ठीक है, रेन ऑफ कच्छ। नेक्स्ट है, 3.29 एंड मल्टीप्लाई करवाना है 1000 इक्वल इज टू, इसका राइट आंसर क्या है, ये भी मैंने क्वेश्चन आपके लिए हल करके रखा हुआ है। तो यहां नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास देखें स्टूडेंट, यहां पर 3.29 × 1000, अब यहां पर पहले मैं 100 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, 3.29 × 100 से करवाना है अगर आपने, तो हम क्या करेंगे, हमने ये देखना 100 में कितने सिफर हैं, 2 सिफर हैं, तो आपने इशारिया को 2 डिजिट्स के बाद लेकर जाना है, ठीक है, तो 29 है, अगर यहां पर 2 सिफर है तो 2 डिजिट्स में इशारिया के बाद वाले गिनूंगा, इशारिया के बाद कितने, 2 1 है और 9
दूसरा है, ठीक है। दो डिजिट्स के बाद इशारिया आएगा तो 329 के, 29 के बाद इशारिया है, ये इसका जो राइट आंसर होगा तो 329 होगा, ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि आपने 1000 किसके इक्वल होगा, फिर आपने यहां पर अब कितनी सिफर है, थ्री है, 1 2 3 तीन सिफर है, तो इसका मतलब है कि इशारिया को तीन डिजिट्स के बाद लेकर आना है, ठीक है। यहां पर हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, इशारे के बाद दो हैं, तो दो के बाद हम एक सिफर लगा लेंगे तो तीन हो जाएंगे, जैसे कि थ्री वैसे आ गया, टू आ गया, नाइन आ गया, एंड थ्री के, क्योंकि इशारे को हमने थ्री डिजिट्स के बाद लिखना तो यहां पर हमने सिफर लिख लिया, उसके बाद इशारे लगाया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा, 3290 है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गई है, तो इसी तरीके से हमारे पास जो इसका राइट आंसर है वो 3290 है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सिनोनिम है, द सिनोनिम ऑफ कंजेक्चर, इसका सिनोनिम जो है वो टू गैस है, ठीक है। द कास्ट सिस्टम इन द सब कॉन्टिनेंट वाज फर्स्ट स्टेब्लिश, जो कास्ट सिस्टम था, जात पात का सिस्टम था, बर्रेसगीर में सबसे पहले कहां से स्टेब्लिश कायम हुआ था, अरियान से हुआ था, ठीक है, अरियान। नेक्स्ट है आयतुल कुर्सी इज पार्ट ऑफ विच सूरा, आयतुल कुर्सी किस सूरा की हिस्सा है, अल बकरा की, ठीक है, अल बकरा। नेक्स्ट हमारे पास है फिलिंग द ब्लैंक, सलमा वाज इल डैश फेवर, ठीक है, सलमा वाज इल डैश फेवर, इसका राइट आंसर है विद, सलमा वाज इल विद फेवर। नेक्स्ट हमारे पास है ये मैथ का फिर क्वेश्चन आ गया, ये देखें ये सिंपल सा है, अगर हमने 2 के पावर 2 लिखा हुआ है, अगर 2 को 2 से जरब करेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 आ गया इसका मतलब, एंड ब्रैकेट के बाहर भी 3 लिखा हुआ है और पावर में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि अंदर जो रकम हमारे पास 4 है ना, 4 को कितनी मरतबा जरब करेंगे, 3 मरतबा, तो 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करवाएं आप तो ये 64 आ जाएगा, 4 4 4 4 4 16, 4 3 64, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओपीईसी, ठीक है, कौन सा मुल्क ओपीईसी का मेंबर नहीं है, तो यूके इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है, इनमें सब ऑड वन ऑड आउट ये निकालना है, ये बहुत आसान है, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें से फाइंड कैसे होगा, फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है। अब यहां पर देखें 13 किसी पहाड़े में आता है, नहीं आता, 41 किसी पहाड़े में आता है, नहीं आता, ना 43 ना ही 47 किसी पहाड़े में आता है, ना 53 ना 61 ना 71 ना 73, यहां तक जितने भी डिजिट्स हैं ये किसी भी पहाड़े में नहीं आते, तो जस्ट यहां पर 81 है जो कि 9 के पहाड़े में आता है, 9 आया 81 9 के पहाड़े में आता है, तो इस वजह से यहां पर जो हमारे पर राइट आंसर है ऑड वन आउट वो क्या है, वो 81 है, ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई भी डिजिट किसी भी पहाड़े में नहीं आता, ठीक है, सिंपल इसकी लॉजिक है बस। हु हैड क्वाइंड द फ्रेज, ये किसने क्वाइंड किया था फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये चार्ल्स डार्विन ने किया था, ठीक है, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलहादी, अलहादी का जो मीनिंग कुरान पाक में क्या मेंशन किया गया है, द गाइड, ओके, अलहादी का मीनिंग है द गाइड, आई वॉज एंग्री डैश द वे दे रिएक्टेड, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है अबाउट। नेक्स्ट हमारे पास है वन मीट्रिक टन कंटेन्ड होता है डैश किलोग्राम में, 1000 किलोग्राम, ठीक है, 1 मीट्रिक टन 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है वेयर डिड द इंडियन ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन मीट, कहां पर इंडियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन मिलता है, कैप ऑफ गॉड होप में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है देयर हैज बीन अ कंप्लीट ब्रेक डैश ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डाउन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अ सेनेटर, हमारे पास नेक्स्ट आंसर है अ सेनेटर इलेक्टेड इन पाकिस्तान, एक जो सेनेटर है वो इलेक्ट होता है पाकिस्तान में, कितने साल के लिए होता है, तो वो जो इलेक्ट होता है 6 इयर्स के लिए होता है, ठीक है, पाकिस्तान में जो सेनेटर है वो 6 साल के लिए इलेक्ट होता है। ओके स्टूडेंट, ये था आज का हमारा वर्क सिंपल, तो प्लीज मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे पार्ट टू जल्दी से जल्दी मैं जैसे ही सेंड करूंगा तो आपको तक फौरन पहुंच जाएगा। ओके बाय।